आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या आपको भी अपनी एसएसओ आईडी के अंदर अपनी जो एग्ज़ाम का पोर्टल है उसके अंदर आपको आपकी स्कॉलरशिप के अंदर भी क्या ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह आप इसको ठीक करेंगे और इससे आपकी जो स्कॉलरशिप है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, कोई भी स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है तो वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो अपना कॉलेज है उसके अंदर एक बार संपर्क जरूर करें और जो वहाँ का हेड है या हेडमास्टर या कोई भी जो डायरेक्टर है उससे कॉन्टेक्ट करें कि मुझको ब्लैक लिस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ देखने की प्रॉब्लम मिल रही है। या तो ये इशू 7 या 8 दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगा, यदि 10 दिन के अंदर नहीं होता है तो आप जा सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका जो पेमेंट सेंसोड कम्प्लीट हो गया या बिल जनरेट कम्प्लीट हो गया तो उन छात्रों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी छात्रवृत्ति कोई भी नहीं रोक सकता। एंड जिन्होंने अभी न्यू फॉर्म भरवाया वो एक बार अपने जो टीचर्स अध्यापक हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर ले ताकि आपकी छात्रवृत्ति के अंदर कोई सा भी ऐसी दिक्कत देखने को यहाँ पर ना मिले। ब्लैक लिस्ट इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जो आपकी कॉलेज है, कॉलेज डिपार्टमेंट है, उसको यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। तो आप सभी एक बार अपने कॉलेज के अंदर जरूर से जरूर संपर्क कर ले हुए, ठीक है। बाकी दोस्तों कैसे लगे मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।